दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस रोक देने वाला दूसरा T20 मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी और अक्षर पटेल ने अपनी गेंदबाजी से गदर मचाते हुए कंगारुओं को दिखाई उनकी औकात। तो वहीं मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने किया ऐसा कारनामा जिसको देख विरोधी टीम के कप्तान ने भी बजाई तालियां। बताएंगे जसप्रीत बुमराह के कारनामे के साथ साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत के टीम इस मुकाबले को किस खिलाड़ी के कारण जीती है, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला भारत की टीम हार गई थी। हालांकि मुकाबले में बारिश तो नहीं आई, परंतु मैदान गीला होने के कारण मुकाबले को 2 घंटे 45 मिनट की देरी से प्रारंभ किया गया। लेकिन जब मुकाबला प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अपनी टीम में 2 बदलाव, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार को बाहर बैठाकर ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की टीम में एंट्री कराकर किया। तो विरोधी टीम में भी 2 बदलाव देखने को मिले, लेकिन ये मुकाबला देर से शुरू होने के कारण 20 ओवर की बजाय 8 ओवर का हो गया, जो कि काफी ज्यादा रोमांचक लग रहा था। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत हार्दिक पांड्या ने करी, तो वहीं विरोधी टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एरॉन फिंच और ग्रीन आए, जहां पहले ओवर में 10 रन के साथ विरोधी टीम की शुरुआत काफी ज्यादा शानदार हुई। लेकिन दूसरे ओवर में अक्षर पटेल ने आखिरकार भारत को ऑस्ट्रेलिया से मजबूत होने का कार्य कर दिया। दरअसल अक्षर पटेल ने पहली ही गेंद पर ग्रीन को फंसाया, लेकिन विराट कोहली ने बाउंड्री पर ग्रीन का एक खतरनाक कैच छोड़ दिया और चौके में तब्दील करवा दिया। परंतु इसकी अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ग्रीन को डायरेक्ट थ्रो मारते हुए रन आउट कर दिया और ग्रीन 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैक्सवेल आए। लेकिन मैक्सवेल को भी अक्षर पटेल ने परेशान किया और ओवर की अंतिम गेंद पर मैक्सवेल को बिना खाता खोले गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड कर दिया और अक्षर पटेल ने कप्तान का भरोसा जीत लिया। परंतु अब बल्लेबाजी करने टिम डेविड आए, लेकिन आज वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अक्षर पटेल ने एक बार फिर से कप्तान का भरोसा जीत लिया और अपने दूसरे ओवर में, या फिर कहें कि पारी के चौथे ओवर में, टिम डेविड को मात्र 3 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने मैथ्यू बेड आए। लेकिन एक तरफ से विकेट पर विकेट गिर रहे थे, परंतु भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण विरोधी टीम के कप्तान को आउट करना था, परंतु उन्हें आउट करने वाला कोई भी गेंदबाज दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और उन्होंने कप्तान का भरोसा जीत लिया, जहां उन्होंने अपने पहले और पारी के 5 ओवर की अंतिम गेंद पर एरॉन फिंच को लो फुल टॉस पर चारों खाने चित कर दिया और एरॉन फिंच 15 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन की पारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। इसीलिए आपको बता दें कि इसके बाद एरॉन फिंच ने बुमराह की तारीफ करते हुए उनकी गेंदबाजी पर तालियां भी बजाई। लेकिन अब बल्लेबाजी करने स्टीव स्मिथ आए, परंतु अब पारी के अंतिम ओवर में मैथ्यू बेड का खतरनाक तूफान देखने को मिला, जहां मैथ्यू बेड ने 3 छक्के लगा दिए। लेकिन पारी के अंतिम गेंद पर स्टीव स्मिथ 5 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए, तो दूसरी तरफ से मैथ्यू बेड ने 20 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 43 रन की नाबाद पारी खेली और 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और 8 ओवर में इस तरह से एक लक्ष्य सेट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम के सामने 90 रन। और भारतीय टीम की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल उतरे और दोनों ने ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करी, जहां दोनों ने पहले ही ओवर में 3 छक्के की मदद से 20 रन बटोर लिए और जिसमें रोहित शर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाए। परंतु कप्तान रोहित शर्मा का साथ दे रहे उपकप्तान केएल राहुल तीसरे ओवर में एडम जंपा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इस बीच केएल राहुल ने 6 गेंदों पर 167 की स्ट्राइक रेट के साथ 10 रन की छोटी सी पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए, जहां विराट कोहली ने थोड़ा सा योगदान दिया, लेकिन वो भी चौथे ओवर में अपने सबसे बड़े दुश्मन एडम जंपा की गेंद पर 6 गेंदों के साथ 2 चौके की मदद से 11 रन की पारी 184 के स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन अब बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आए और वो भी पहली ही गेंद पर गलत शॉट खेलने के चक्कर में गोल्डन डक के रूप में क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद पारी को संभालने हार्दिक पांड्या आए। परंतु हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाए, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा एक तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या 7वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर 9 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौके की मदद से 9 रन बनाने के बाद एरॉन फिंच के हाथों बोल्ड हो गए
और आपको बता दें कि जिसके बाद बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक आए, लेकिन मुकाबला तब रोमांचक हो गया जब जीत के लिए अंतिम ओवर में 9 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक के ऊपर दबाव आ गया और वहीं गेंदबाजी करने के लिए डेनियल सैम्स को बुलाया गया और दिनेश कार्तिक ने पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर चौका लगाकर मुकाबले को 4 गेंद पहले ही 6 विकेट से भारत के पक्ष में डाल दिया। और इस बीच दिनेश कार्तिक ने 2 गेंदों पर 500 के स्ट्राइक रेट के साथ 10 रन बना लिए और साथ ही साथ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 20 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 230 के स्ट्राइक रेट के साथ 46 रन की नाबाद पारी खेली और मैन ऑफ द मैच भी बने। इसी के साथ ही भारत को जीत दिलाते हुए भारत ने इस सीरीज को 1-1 से बराबर पर पहुंचा दिया और अब अंतिम और निर्णायक मुकाबला हैदराबाद में 25 सितंबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस अंतिम मुकाबले में जीत कर सीरीज को जीत पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।